नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा छठी विषय मराठी में पाठ क्रमांक चार है माहिती घेऊया, धड़ा क्रमांक चार माहिती घेऊया, इस पाठ का मैं आज आपको वाचन करके इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में देखिए डॉक्टर वसंत गोवारीकर, इनके बारे में मैं संक्षिप्त परिचय देने वाला हूं। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर वसंत गोवारीकर का परिचय प्राप्त करिए और उसका श्रवण सुनिए। तो लीजिए देखिए डॉक्टर गोवारीकर का परिचय किस प्रकार है मराठी में, इसका मैं आज आपको वाचन करके सुना रहा हूं। पाउस क्यों पड़ेल, अर्थात बरसात कब होगी, किती पड़ेल, कितनी बरसात होगी, याची देश भर चिंता असते, इसकी पूरे देश में चिंता रहती है। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर। तो इससे हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर गोवारीकर जो है, वर्षा कब होगी, बरसात कितनी पड़ेगी देश भर में, इसकी चिंता रहती है। और ये जो गोवारीकर हैं, ये एक संशोधक थे और इन्होंने मानसून चे अंदाजा ची नवी पद्धत शोधन काढ ली, इन्होंने मानसून के अंदाज की नवी पद्धत को क्या किया, खोज करके निकाला। उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर। डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला, अर्थात डॉक्टर वसंत गोवारीकर का जन्म 25 मार्च 1933 को पुणे में हुआ था। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायचा, अर्थात विद्यालय में जब वे अध्ययन प्राप्त कर रहे थे तो उनको नई नई कल्पनाओं उनके मस्तिष्क में विचार करती थी। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी, एक बार उन्हें ऐसा लगा कि मैं मोटर गाड़ी बनाऊंगा। अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्सला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। ये उस वक्त अवघे 13 वर्षाचे, म्हणजे उस समय इनकी उम्र लगभग 13 वर्ष की थी, और ये डॉक्टर गोवारीकर ने अमेरिका के हेनरी फोर्ड्स को पत्र लिखा और पत्र लिख करके उन्होंने अपनी इच्छा उनसे व्यक्त की कि मैं कार बनाना चाहता हूँ। हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही, म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजीत भाषांतर केले। अब देखिए डॉक्टर गोवारीकर को पता था कि हेनरी फोर्ड्स को मराठी ये भाषा समझने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने एक मित्र की सहायता से मराठी के पत्र को इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी में उसका लेखन किया। मराठी पत्राचे इंग्रजीत भाषांतर के लिए, अर्थात उसको अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके लिखा। हेनरी फोर्ड्स डॉक्टर गोवारीकर यांचा पत्राची दखल घेऊन उत्तर ही पाठवले। अब सुनिए आश्चर्यचकित की बात है कि भारत से भेजा गया ये पत्र हेनरी फोर्ड्स को जब मिला तो उसने उसका उत्तर वहाँ से भेजा, त्यासोबत काही पुस्तके ही पाठवली, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ पुस्तके भी भेजी। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणी दिसून आली, अर्थात डॉक्टर गोवारीकर की कुशाग्र बुद्धिमान थे और दृढ़ संकल्पवादी थे, इसकी झलक बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। कोल्हापुरला पदवीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लैंडला गेले। कोल्हापुर में पदवी शिक्षण प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड में गए। बर्मिंगहम
विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिक विषयात संशोधन केले. इंग्लैंड के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी विद्यापीठ में इन्होंने रासायनिक और अभियांत्रिक विषय में संशोधन किया. पूरे इंग्लैंड सा ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले. इसके पश्चात इंग्लैंड के ऊर्जा संशोधन केंद्र में इन्होंने संशोधक के रूप में कार्य किया है. विक्रम साराभाई यांचा आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. अर्थात विक्रम साराभाई इनके आग्रह पर 1967 में ये भारत के अवकाश संशोधन केंद्र में ये ड्यूटी ज्वाइन किया. अर्थात वहाँ पर इन्होंने कार्य करना शुरू किया. घन पद्धतीतील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांचा पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. अर्थात घन पदार्थों में ऊर्जा किस प्रकार होती है, इस विषय पर संशोधन के लिए इनका नया प्रकल्प क्या हुआ, शुरू हुआ. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी होत आहे. भारत के विज्ञान के क्षेत्र में इनके द्वारा की गई कार्य बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही विशाल कार्य है. अग्निबाणाचा मोटारी करिता घन इंधन बनवण्याचे यंत्र त्यांनी विकसित केले. अर्थात अग्निबाण अर्थात रॉकेट का जो मोटर होता है उसके अंदर जो घन इंधन बनता है उस इंजन पर इन्होंने क्या किया है, बनवण्याचे तंत्र यांनी विकसित केले. अर्थात उसमें चलने वाला यंत्र इन्होंने क्या किया है, विकसित किया है. तो इस तरह से आप डॉक्टर वसंत गोवारीकर के बारे में इस वीडियो को देखिए और उसका वाचन करिए तथा समझिए और अपने भारत देश के वैज्ञानिकों पर हम संशोधक मंडलों पर हमें गर्व है. और धन्यवाद सभी को. आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं. धन्यवाद सभी को.